फैसलाबाद से खबर शामिल करते हैं, जहां पर कैथलिक डायसिस ऑफ फैसलाबाद में कैथलिक बोर्ड ऑफ एजुकेशन डायसिस फैसलाबाद के जरिए तमाम एक रोजा सेमिनार का इनकाद हुआ, जिसके ऑर्गेनाइजर मिस्टर नदीम बशीर एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी, सीबीई मिस्टर जेम्स लाल डायरेक्टर डीसीसी फैसलाबाद थे। इस सेमिनार में डायसिस फैसलाबाद के कैथलिक स्कूल के उस्ताद मसीही तालीम ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर मुकर्ररीन रेवरेंड फादर यूनस अनाई, डायसिसन डायरेक्टर सीबीई फैसलाबाद सर जेम्स लाल, मिस्टर नदीम बशीर और ब्रदर अबीद थे। रेवरेंड फादर यूनस अनायत ने डायसिस फैसलाबाद के कैथलिक स्कूलों में मसीही तालीम के हवाले से गुफ्तगु करते हुए कहा कि हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, हमारे स्कूलों में मसीही तालीम पढ़ाई जाती है, जिससे बच्चों को बाइबल मुकद्दस और ईमानी सच्चाइयों से रोशनास किया जाता है। सर इमैनुअल नीनो ने किताब कैथलिक क्लीसिया की कैटेकिज्म का तारुफ पेश किया, जिसमें उन्होंने ईमान के इकरार लतोरिया, ईमान की सच्चाई और मसीही दुआ करने के हवाले से हासिल गुफ्तगु की। सर जेम्स लाल डायरेक्टर डीसीसी ने डायसिस बोर्ड के इम्तहान को मौसर बनाने के लिए सिलेबस और तरीका इम्तहान के हवाले से गुफ्तगु की। इस मौका पर मिस शबाना, मिस रुखसाना आसिफ और मिस मनोरमा ने बपतिस्मा, गुनाह और इतराफ़ के हवाले से नमूने के तौर पर इसबाक पेश किए।